हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फॉरेन, नहीं तो चेंज और करेक्शन पैन। तो हम इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी हमें इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, फर्म, बहुत से ऑप्शन है, हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। अगर आपका इंडिविजुअल है तो नीचे आना है। टाइटल में हमें श्री, श्रीमती, कुमारी अपने हिसाब से ले लो। अपना सरनेम डालना है वहाँ पे। फर्स्ट नेम में आपका नाम, मिडिल नेम में आपका फादर का नाम, नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। मेल आईडी मैंडेटरी है और मोबाइल नंबर। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद हमें बाय सबमिटिंग डाटा टू अस यूजिंग योर NSDL ई गवर्नमेंट साइट को टिक करना है। बाय पे टिक करना है और नीचे आना है, कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताएगा वी आर थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस NSDL, योर टोकन नंबर इज सो एंड सो, काइंडली क्लिक बटन टू फिल रिमेनिंग पैन एप्लीकेशन। तो हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बताया गया है कि हाउ डू यू वॉन्ट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। तो हम डिजिटली करने वाले तो हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। सेकेंड में है सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन एंड थर्ड ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। वेदर फिजिकल पैन इज रिक्वायर्ड, तो हमें फिजिकली भी पैन कार्ड चाहिए तो हम येस पे क्लिक करेंगे। फिजिकल के चार्जेस आप देख लो। मोड ऑफ पैन एप्लीकेशन, अगर इंडियन है तो EKYC करेंगे तो 101, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो 107 और फॉरेन के लिए ई साइन बेस्ड 1011 और फिजिकली 1017 सॉरी। तो हम इंडियन है तो हम येस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर डालना है और आई हेयर एग्री दैट माय फोटो इज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन द, मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि जैसे आधार कार्ड पे है वैसे ही हमको पैन कार्ड पे भी फोटो आएगा। तो हम येस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेम एज पर आधार, फुल नेम एज पर आधार, तो अपनी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो मेल पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी नेम, आपको किसी और नाम से जानते हैं क्या? तो नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अपना फैमिली में आप फादर और मदर का इसमें नाम ऐड कर सकते हैं, तो मैं फादर नेम ऐड करूँगा और ये मैंडेटरी है, पहले सरनेम ऐड करना है। सरनेम के बाद फादर नेम और उसके बाद फादर फादर्स नेम। अगर मदर नेम भी ऑप्शनल है पर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो हमें किसका नाम चाहिए, मदर का चाहिए कि फादर का चाहिए पैन कार्ड पे, वो बताया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप सैलरी पर्सन है, आपका कोई बिजनेस है या इनकम हमारी प्रॉपर्टी से आ रहा है या हम कुछ नहीं कमाते, नो इनकम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से उसे टिक करें। अगर बिजनेस दिखाया तो यहाँ पे फ्लक्चुएट करके बताना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस कौन सा है, तो हम सीधा नो इनकम पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो हमारा ऑलरेडी टिक्ड है रेसिडेंस,
कम्युनिकेशन एड्रेस हमारा वही रहेगा। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हमारा एड्रेस रीडायरेक्टली आ जाएगा वहाँ पे, उसका कुछ इश्यू नहीं है। ऑफिस एड्रेस अपने को डालने का रहेगा तो डाल सकते हैं, वरना वो भी स्किप कर दो। नीचे आना है, अपना कंट्री कोड डालना है, इंडिया 91, एरिया कोड भी डाल सकते हो तो डालेंगे, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी डाल के नेक्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अभी एरिया कोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू अपना अपने जो भी आप, फॉर एग्जांपल आप मुंबई सिटी में रहते हो तो हमें एम पे क्लिक करना है। एम पे क्लिक करने के बाद ये मुंबई में जितने भी कोड्स आ रहे हैं उसमें से अपना पिन कोड डाल के सर्च करना है। अब ये मैं अपना दिखा रहा हूँ, MUM डालेंगे, AO Type W 197 और AO नंबर है 91, तो हम 91 पे क्लिक करके नीचे आना है। तो आप ये कौन है, इंडियन सिटीजन है NRI, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना स्टेट एंटर करना है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मुंबई। तो मुंबई एंटर करने के बाद अपने को बहुत सारे कोड मिलेंगे, उसमें से आपका कोड कौन सा है, एरिया कोड, वो सिलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें वेरीफाई करने के लिए बताएगा। डिक्लेरेशन में हिमसेल्फ करना है, प्लेस मुंबई, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये फिर से अपना डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए बता रहा है। अपना फर्स्ट 8 डिजिट आधार कार्ड नंबर डालना है, बाकी का सब ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आप सिर्फ वेरीफाई करें उसे कि बराबर से फिल हो गया कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो नीचे ऑप्शन है एडिट का, वहां से आप एडिट कर सकते हैं। ओनली ऑल डिटेल जो हमने भरी है वो एक बार वेरीफाई कर ले। डेली गवर्नमेंट ई साइन ई के वाई सी, नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये सीधे पेमेंट के ऑप्शन पे चला जाएगा। तो हम कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, तो इसकी चार्जेस है 106.90, मतलब 107 ऑलमोस्ट। तो हम एग्री पे क्लिक करके मेक पेमेंट, तो यहाँ पे कंफर्म पेमेंट के लिए पे कंफर्म, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, UPI, तो हम इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं उसका। पेमेंट करने के बाद हमें ये लेटर दिया जाता है, ये लेटर हमें मेल के थ्रू आ जाएगा 7 से 8 दिनों में, और फिजिकली पैन कार्ड हमें बाय पोस्ट आएगा 20 से 25 दिन में मैक्स टू मैक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।